पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च अब ज्यादा दूर नहीं, लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन अब हमें अंदाजा है अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हमने पहले दिन से कहा था कि हमारी मौजूदा हुकूमत जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि साइफर को फिर से जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर में वाजे लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं? तोशाखाना के मामले पर कप्तान का कहना था कि हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि तोशाखाना केस की खुली समाअत की जाए। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।